प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना के निर्वाण दिन के बाद उन्हें याद करते हुए फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 13वां म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित करवाया गया, जिसमें कई मशहूर कलाकार मौजूद रहे। आमद संस्था की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ तबला के सहयोग से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पर 13वें म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। दरअसल प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना की याद में 13वां म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित करवाया गया, जिसमें तबला प्लेयर मानस वोरा, वायोलिन प्लेयर डॉक्टर शारदा प्रसन्न दास और साथ ही तबला सोलो प्लेयर वैभव नागेशकर मुंबई से मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि इन तीनों की ओर से इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रस्तुतियां पेश करते हुए प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना को याद किया गया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंडित सुधीर सक्सेना जी के इसमें मुझे बुलाया है जयंती में, और बहुत गुणी आदमी थे वो, मतलब अजराड़ा घराने के तो बहुत सीनियर, और एक तो कलाकार भी बहुत बड़े थे और इंसान भी बहुत बड़े थे। उनका हृदय भी विशाल हृदय था कि जैसे कि उन्होंने जैसे बहुत शागिर्द तैयार किए, अपना विद्या का दान एकदम कोई भी अपना कुछ रख के ऐसा नहीं दिया, पूरा बांट दिया। और मैं तो एक बार हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर था, तब तो मैं इतना खुश हुआ था, उनका सुन के प्रभावित हुआ था कि मैंने मुझे दिल में इच्छा हुई कि बस इनके भी पास कुछ जाके मुझे लेना चाहिए, और मैंने ये इच्छा प्रदर्शित भी की थी उनको। लेकिन उस टाइम मतलब एक महीने के दरम्यान वो गुजर गए थे, और काफ़ी उनका मतलब जो तबले के प्रति जो विचार था, जैसे कि दाया बाया के बारे में वो सोचते बोलते थे कि तबला जो है ये अपना अक्षर से शाही किनार से जो है बात को स्पष्टीकरण देता है, लेकिन उसमें जो भावना लाता है वो बायां लाता है। और ये उनका जो विचार मुझे इतना प्रभावित हुआ, फिर इनके एक बंदिश उन्होंने एक कायदा कुछ सुनाया मुझे, घेतक है घेतक, उन्होंने डिपार्टमेंट में हमारे घेतक है घेतक है देन देना गेन नातक है घेतक है देन देना गेन नातक है घेतक है घेन धाती गेन धातक है घेतक है तेन तेना गेन कहता के कहता के तेन तेना गेन तातक के कहता के तेन तेना गेन नातक के कहता के गेन दाती गेन दाती गेन दाती के कहता के देन देना। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मतलब क्या हमारा शॉप भी था तबले का बम्बई में, तो काफ़ी उधर भी आना जाना था। पिताजी का उनका हमारा बहुत अच्छा मिलनसार उनका दोनों का अच्छा था, और मेरे पिताजी भी बहुत बड़े अमीर हुसैन खां साहब के शागिर्द सीनियर शागिर्द थे, तो उनका भाईचारा जैसा ही उनका एक रिश्ता था। आज मुझे इधर बुलाया बहुत, मैं मुझे एक आशीर्वाद मिल रहा है उनका, और जो भी है मैं उनके चरण में आज मेरी सेवा प्रस्तुत करूंगा। आज क्या पेश करेंगे आप? मैं आज तीनताल पेश करूंगा बस, और मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रज्ञा जी को मिल के भी मुझे उनका आशीर्वाद मिला, उनको मैंने देखा नहीं था, आज मुझे उनको देखने का अवसर भी मिला। नमस्कार, एक्चुअली 30 नवम्बर एट्ले प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जी नू निर्वाण दिवस, तो आ मैं दर वर्षे 30 नवम्बर पछी ना एक रविवारे आ प्रसंग उजवता होईए छे, अने बने तबलाना क्षेत्रना विविध आ कलाकारों ने अहींया बोलावता होईए छे। आ संदर्भे वडोदरानी आमद संस्था के जेनी स्थापना प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जी द्वारा थई हती, अने डिपार्टमेंट ऑफ तबलाना संयुक्त उपक्रमे आजनो कार्यक्रम योजवामां आव्यो छे, जेमां सौ प्रथम जे प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना गोल्ड मेडल जेमने मळ्यो आ वर्षे एवा मानस वोरानुं तबलावादन थयुं, अने त्यारबाद हवे एना पछी मुंबईथी वैभव नागेशकरजी पधार्या छे, अने ते फरुखाबाद घरानानुं प्रतिनिधित्व करे छे, अने एवा महान कलाकार आजे अहींया पधार्या छे, अने एमनुं आजे तबलावादन अहींया थवा जई रह्युं छे।